school. Are you? हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे। और हम लोग एकदम सुबह सुबह, आज हमारे घर में एक अचंभा हो गया है। सुबह के 9 बज रहे हैं और हम दोनों नहा धो के तैयार हैं, जो कि एकदम इम्पॉसिबल था। लेकिन क्योंकि आज हमारी बिल्डिंग में, सोसाइटी में झंडा फहराने वाले हैं, तो हम लोग जा रहे हैं नीचे। और ये देख लो, अभी भी नींद में हो गया। ये पागलपन में कर रही हो क्या? नहीं नहीं, मेरे बच्चे खाना खा चुके हैं। और ये तुमने पता नहीं क्या पहना हुआ है, कुछ व्हाइट पहन लेते ना अभी। देखो मैंने व्हाइट पहना हुआ है। मैंने बहुत ढूंढा, मेरा व्हाइट मिला नहीं। फिर मैं ढूंढ के दूं अभी तो? कभी का मतलब अभी मेरे को ना, दिस इज रियल व्लॉगिंग की, व्लॉगिंग में ढूंढ रहे हो। तो जी, आप लोग तैयार हो हमारे साथ गणतंत्र दिवस मनाने के लिए? तैयार हो ना, आ जाओ। देख लो, इन्होंने गणतंत्र दिवस मना लिया, खाना खा लिया है। चन्ने आज कोक्यो ने जो हरकतें करी है बेबी, इससे उधर से उधर जो छलांगे मारी है उसने घोड़े की तरह। कुर्ते पहनो ना बेबी, कुर्ता क्यों नहीं पहन रहे हो? तो कुर्ता तो मैं पहन ही सकता हूँ, व्हाइट नहीं मिल रहा। ये क्या है? वो पजामा है सिर्फ, वही पहन लूँ? पजामा पहन लो, वो भी चल जाएगा। ये मैंने कुछ ड्राई क्लीन करा के रखे थे, ये वाला पहन लो, ब्लू और व्हाइट ये पहन लो। चलो ओके, थोड़ा सा मतलब ये तो लगेगा ना कि तुम फ्लैग होस्टिंग के लिए चल रहे हो। अब जरा एक बार नीचे से होके आ जाए तो फिर कॉफी बनाती हूँ, कॉफी पियेंगे हम सब, कॉफी पियेंगे आप और मैं, हम सब कॉफी पियेंगे आप और मैं। अच्छा अविनाश, नहीं है समय, कहाँ हो, आ क्यों नहीं रहे हो? मुझे पता है आप ये सेक्शन देखने के लिए बेकरार हो दोबारा से, मतलब जब कॉफी बनती है। मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ आप लोगों की जो इमोशंस है, मैं समझती हूँ। मैं ये सब मेरे साथ भी होता है, तो मैं आप लोगों को भी समझती हूँ। किसको बेला फुसला रही हो? मैं लोगों से बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग टू माय सब्सक्राइबर्स। देखो ये देखो, मेरे बेबी ने एक के ऊपर एक तकिया रख के पता नहीं रात को यहाँ क्या किया है। एक के ऊपर एक तकिया रख के पता नहीं रात में यहाँ क्या किया, मतलब चश्मा भी पहनोगे तुम? यस बेबी, चश्मा पहन के ऐसा क्यों लग रहा है सडनली भीख मांगने जा रहे हो नीचे? क्योंकि मिलेगा ना समोसा जलेबी, ये उतारो ना चश्मा। तो आंखों में लालच नहीं दिखना चाहिए कि ये आदमी सिर्फ समोसे के लिए आया। अच्छा, अगर आज समोसा जलेबी नीचे मिला तो खाएंगे और क्या। चलो की चाय पी के जाऊंगा, तो वो चाय का इंतजार कर रहा है, बट मैं ऊपर आ गई हूँ और मैं बनाने जा रही हूँ मेरी कॉफी। छोनू को पारी नहीं किया मैंने, मामा को पारी नहीं किया मैंने, छोनू कॉफी बना के फिर बैठते हैं साथ में, ठीक है? आप क्या सोच रही हो, गंभीर विचार में हो कुछ? चलो तेरी गुत्त बनाती हूँ इसके बाद। ओरे बाप रे, ये कौन सी आवाज थी भाई, कौन कौन से नए सुर निकाल रही है तू? टाइम नहीं दे रही मम्मा, भौकी भौकी नहीं करते ना, ना ना, गंदे बच्चे नहीं बनते। और जब तक अविनाश आता है तब तक मैं आराम से बैठ के, आराम कहाँ यार, ये तो धूप आ गई, मैं बैठ के अपनी कॉफी पी लेती हूँ। ये देखो मेरी कॉफी, आ गया अविनाश। क्या हुआ? अरे चाय ले, तुम साथ में ही ले चाय। चाय का इंतजार करता रहा, आधा घंटा हो गया, फिर मैं किचन में घुस गया, मैंने कहा मुझे चाय दीजिए, आज गणतंत्र दिवस है। एक बार बोलेंगे सब, हैप्पी रिपब्लिक डे। चलो 1 2 3 हैप्पी रिपब्लिक डे। किसी ने नहीं बोला, वो मूड है उनका। 1 2 3 हैप्पी रिपब्लिक डे। आप बोलो ना, आप बोलिए, आप बोलिए, बोलो। अरे 1 2 3 4 5 6 इज दैट नाइस।
वो ये बता रहा है कि मुझे काउंटिंग आती है। टीचर ने स्माइली यहाँ पे स्माइली दिया है और यहाँ पे स्टार बनाया है। अरे वाह, दिखाओ दिखाओ, आप दिखाओ। हाउ क्यूट यार, ही इज सो क्यूट। अभी ये नीचे ही थूक रहा था, बताओ। अभी ये नीचे मेरे पर थूक रहा था फोटो खिंचवाने के लिए, और अब आया है खुद फोटो खिंचवाने के लिए कि मैं तैयार हूँ। मूड बदल गया है। और कितना खुश है ये? है मेरे पड़ोसी। थूकने वाले बच्चे ने किसी दे दी। अब बाहर बैठोगे मेरे साथ या इधर बैठोगे? इधर ही बैठते हैं, बाहर तो बहुत गंदगी है, कुत्ता भी पड़ा हुआ है। इतने बदतमीज हो, कुत्ता पड़ा हुआ है मतलब मैंने ही उसको बुलाया था। ये पकड़ो, मैं लेके आती हूँ। उसको रहने दो ना, वहाँ वो एंजॉय कर रहा है, लेट हिम एंजॉय। क्या ब्रेकफास्ट बन रहा है? समोसा नीचे खाया ना, लंच बना रही हूँ। ये जो लंच की क्वांटिटी है ये यहाँ कबूतरों को डालने वाली हो क्या? अरे ये रहा। ओ अच्छा, अभी आलू गोभी जाएगी इसमें। ये बनाऊंगी मैं। बेबी तुम्हारी तो हालत ही बहुत खराब है, देखो मैंने एप्रन भी पहन लिया। आज मैंने एप्रन पहना है। लंच कुछ ज्यादा जल्दी नहीं बन गया? बना के मैं रख दूंगी बेबी। आई डोंट वांट टू यू नो हैव किट 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 किट। अच्छा, आज जल्दी उठ गई तो नेता बन रही हो है? मतलब मेरे को ना वो तो नहीं चाहिए कि खाना नहीं है, बीवी किस तरह की है, और ये सब मेरे को नहीं चाहिए बेबी। I'm just fed up of you. कल बात करेंगे जब उठोगी ना 12 बजे। नहीं बेबी, उठा देना प्लीज, जल्दी उठा देना, मुझे अच्छा लगा है इससे। अब तो गणतंत्र दिवस था तो स्वतंत्रता दिवस पे उठोगी तुम? तुझी शाम हो गई है और मैं बनाने जा रही हूँ मेरी चाय। अविनाश घर पे नहीं है, अविनाश गया है अपनी मीटिंग के लिए। आई डोंट नो व्हाट टाइम विल बी बैक, लेकिन मैं बना लेती हूँ मीनवाइल अपनी चाय। चाय बनाने के लिए दोस्तों बर्तन ले ले। अब थोड़ी लाइफ थोड़ी हार्ड हो गई है दोस्तों, क्योंकि उठने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है ना चाय कोई पिला दे। तो चाय भी मैं खुद ही बना रही हूँ और साथ साथ ब्लॉगिंग भी कर रही हूँ, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है दोस्तों। अच्छी ज्यादा चाय बनाती हूँ, आराम से बैठूंगी अकेले। इसी बीच ये सुनिश्चित कर ले कि आपके घर के दरवाजे बंद है, मैं देख लूँ जरा। घर का दरवाजा भी बंद होना चाहिए ना, इट्स नॉट सेफ। हो गया घर का दरवाजा बंद। और चेरी, ये तेरी एक बोधी थी और एक बोधी गायब है, मतलब एक ही बोधी रह गई, दूसरी गायब। बताया था ना खुजली वाला कुत्ता है, खुजली कर दी, बोधी हटा दी। कहाँ है अदरक? अदरक, अदरक, अकेले अदरक वाली चाय, ओनली फॉर मी, मतलब आई एम नॉट मेकिंग फॉर दिस गाय। कैन यू इमेजिन, हर काम अविनाश के लिए, ये अविनाश के लिए, वो अविनाश के लिए, मैं ये करूँ अविनाश के लिए, क्यों करूँ मैं? मैं अपने लिए करूंगी। क्या है वो पीसने वाला? यहाँ पे कैमरा प्लेस भी कर दूंगी और आप लोगों से बात भी कर लूंगी, ठीक है ना? अरे तू तो चलाया ही नहीं। ये तो मैंने अब देखा है, ये देखो, ये आदमी बोल रहा था मुझे भूख नहीं है, मैं खाना शायद ना खाऊं, ये लो। और ऐसे करके और ऐसे ही रख के और अपनी मीटिंग के लिए गया है। आई विल सी हिम। रात के लिए भी कोई सब्जी नहीं छोड़ी है, इतनी सारी सब्जी बनाई थी मैंने और सारी खा गया। नहीं खाने में मैं नहीं टोक रही हूँ, खाना चाहिए लोगों को, लेकिन इतना भाई मीटिंग में भी तो बैठना है लोगों के साथ, पेट दुखेगा तो क्या करेगा। कभी कभी अच्छा नहीं लगता जब ये लोग घर पे नहीं होते, अच्छा तो लगता है कभी कभी। आज भी बड़ा मजा आ रहा है व्हेन ही इज नॉट एट होम। क्या मैं फ्रस्ट्रेशन की जिंदगी जी रही हूँ क्या? इसके चक्कर में ना दूध भी ज्यादा लग जाता है। मेरी चाय देखो कैसी है, ये चाय 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 चाय। अब आज मैं लूंगी इसमें लिखा आई लव कॉफी, बट मैं इसमें चाय लूंगी। इसी बीच पीछे मेरी चिरकुट्टी आ चुकी है। चिरकुट्टू आई तो थी, पता नहीं कहाँ गई। पूरा मग्गा भरा मैंने चाय का ही, देखो मतलब लिटरली मुझे चाय की जरूरत थी, बहुत बुरी तरह से। और तो देखो चेरी कैसे खेल रही है। पकड़ लिया चेरी को, अकेले अकेले खेली खेली कर रहा था, अकेले अकेले खेली खेली कर रहा था मेरा बच्चा। आजा मम्मा के पास। कौन सा वाला बच्चा आएगा मम्मा के पास? अच्छा चेरी तो आ गया, चेरू भी आएगा क्या? चेरू हमारा पारा बेबी है, आ जाओ चेलू। आ मेरा एक बोधी वाला बच्चा, आजा आजा आजा। आपकी खिदमत में एक गाना पेश है, पेश खिदमत है। अरे चेरू हमारा खुजली वाला कुत्ता है, चेरू हमारा बदबू वाला डॉगी है, चेरू हमारा
क्यूटी डॉगी है, चेरू हमारा बदबूदार कुत्ता है। हाय बच्ची कितनी बेइज्जती करी मैंने बच्ची की। आ जाओ कुट्टी को प्यार कर लो। साइड से कोने में जली पड़ी है, पता है कोने से जल रही है। देखो वो देखो उसकी ना दुनिया ही लुट गई है, दुनिया लुटी है बेटा। आओ मुझे पता है चेरी को प्यार कर दिया, मेरी जिंदगी में रहा क्या है, मेरी जिंदगी में बचा ही क्या है, जाने दो छोड़ो अब ये जहाँ देख लेंगे फिर आप। चल चीयर्स। एंड देयर इज नोबडी एट होम, ओनली मी एंड माय थ्री किड्स। एम आई मिसिंग हिम? नहीं नहीं है, लगता तो नहीं है, लग नहीं रहा मेरे को। आप बताओ जरा लग रहा है क्या आपको कि मैं मिस कर रही हूँ? भाई काम भी तो करना जरूरी है ना, उसको काम भी तो करना है ना, हमेशा मेरे साथ ही थोड़ी बैठा रहेगा। देखो मैंने ये दो डब्बे बना लिए, ये इसमें सिर्फ मेरे मास्क हैं और इसमें सिर्फ चेन्स हैं। तो एक मास्क मैं आपको दिखाती हूँ मैंने जो बनवाया है, ये देखो कैंडी कोको और चेरी का, तो ये कस्टमाइज्ड है। और ये है कुछ मास्क, आराम से कल दिखाते हो, ये मास्क मतलब चेन्स हैं और ये तो आपने देखी होंगी शायद। ये भी और भी हैं, और भी हैं इसके अंदर भी हैं। जब भी मैं नेक्स्ट लगाऊंगी तो ये बना रहे एक से आया, तो ये मैंने कुछ कस्टमाइज बनवाए हैं तो इसमें मैंने भर के रख लिए हैं ताकि मुझे दिखते रहे। लेकिन अविनाश कह रहे हैं ये जगह ठीक नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इस पे बहुत कुछ है, तो अभी मैं देखती हूँ कि इसकी जगह बनानी कहाँ पे। इधर मैं यहाँ पे बनाऊंगी, अभी तो बहुत सारी चीजें हैं यार, आप लोगों के इतने सारे और गिफ्ट्स आए हुए हैं, सो मुझे उसका भी वीडियो बनाना है, तो अभी मैं देखती हूँ कि कब बनाना है। फिलहाल रात के 8 बज चुके हैं और अविनाश का कुछ आता पता नहीं है, सो अभी मैं जाकर पहले चेंज कर लेती हूँ। जी काफी लेट हो चुका है और मैं वेट करते 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 थक गई और अब मैं सोने जा रही हूँ क्योंकि वाकई बहुत लेट हो गया और अविनाश अभी भी नहीं आया है। टाइम लगेगा शायद अविनाश को आने में, तो अगर आएगा तो मैं उसको एक मैसेज छोड़ के रखूंगी कि व्लॉग की एंडिंग वो कर दे, क्योंकि अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए और मैं चाहती हूँ कि एंडिंग वो करे, वो भी तो कुछ काम करे ना। मैं चली सोने, कल मिलती हूँ। तो दोस्तों मैं अभी घर पहुंचा हूँ, आके सबसे पहले मैंने चेंज किया है, बहुत टायर्ड हूँ, संभावना ऑलमोस्ट सो चुकी है। अब मुझे खाना खाना है, घर में खाना तो है लेकिन संभावना की नींद का फायदा उठा के मैंने खाना ऑर्डर कर दिया। खाना आएगा चुपचाप खाऊंगा और फिर जो भी उसके पैकेट्स होंगे वो चुपचाप डस्टबिन में डाल के बाहर रख दूंगा, तो उसको पता नहीं चलेगा कि मैंने बाहर से खाना मंगा के खाया था, और बोल दूंगा मैंने कुछ नहीं खाया, सुबह खाना वैसे ही मिलेगा। तो ये है मेरी आज की प्लानिंग, हालांकि ये व्लॉग में उसको कल पता चल जाएगा, मुझे अभी रियलाइज ठीक है, मजा भी आएगा जो उसको पता चलेगा। तो आप लोगों से मिलता हूँ कल, टिल देन डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल विच इज संभावना से एंटरटेनमेंट। बाहर बहुत ठंड हो गई भाई बॉम्बे में, पता लगा आज मुझे।